हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें आप जानते हैं हम आपका सीजीपीएससी का संपूर्ण सिलेबस एमसीक्यू के माध्यम से कवर करा है। इसके बेनिफिट्स आपको मालूम है, कम समय में आपका पूरा कोर्स होगा, ये सबसे पहला चीज, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा। दूसरा बेनिफिट आपके पास ये होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के ट्रेंड को देखते हुए अपकमिंग एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आपको पूछने वाले हैं, उस क्वेश्चन का भी इसमें यहाँ पर क्या होगा, समावेश होगा अपकमिंग क्वेश्चन के हिसाब से। जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट। आपको जैसे पहले ही बताया था, जैसे आपके पास क्या होगा, आप एग्जाम हॉल में कुछ देर पहले पहुंच जाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, आप पूरे इंग्लिश अल्फाबेट को ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट को विथ नंबरिंग के साथ आप लिख लेंगे, क्योंकि इस पूरे इंग्लिश अल्फाबेट में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी इस तरीके से मिला कि आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछने की संभावना है, और यह आपका समय बहुत ज्यादा आपको बचाएगा। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये आपके पास पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड पेंटिंग आर रीअरेंज्ड एज दे अपीयर इन अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक, अल्फाबेटिकल सीरीज दी। अब हमको दिया हुआ वर्ड क्या दिया हुआ, पेंटिंग दिया हुआ है, पी ए आई एन टी आई एन जी, ये हमको दिया। ठीक है, अगर मैं इनको अल्फाबेटिकल में जमाया, ए बी सी डी के क्रम में जमाया, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई दो बार आया है, आई जे के एल एम N दो बार आया है, ठीक है, M N O P Q R S T, तो ये हमारे पास क्रम हुआ। तो आपको ये देखना है कि कितने का पोजीशन आपको चेंज हुआ है, कितने का नहीं हुआ है। जैसे P पहले एक नंबर पे था, लेकिन अभी यहां पर क्या है, आपका 7वें नंबर पर है, तो इसका क्रम चेंज हो गया है। तो हम देखेंगे एक I है जो पहले भी 3रे नंबर पे था, अभी भी 3रे नंबर पे था, और कोई सा है क्या, नहीं, आपके पास सिर्फ एक अल्फाबेट है I जिसका पोजीशन पहले भी 3 नंबर पे था, और जब हमने उसको वर्णाक्रम में जमाया, मतलब इन अल्फाबेटिकल जमाया, तो दोनों का पोजीशन सेम है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1, ये हमारा आंसर। क्लियर, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज इमीडिएटली शब्द से है, इसमें आपको बोलेगा कि इसमें से आप कौन से शब्द बना सकते हैं, कौन सा शब्द आपको नहीं बना सकता। जैसे यहां पर आपका यूज हुआ है आई डबल एम ई डी आई ए टी ई एल वाई, हमको हमने देखा डाइट डी आई ई टी, तो डी भी आया, आई भी आया, ई भी आया, टी भी आया, तो ये बन सकता है। लेट एल ए टी ई, ये भी बन सकता है। लेटली, अच्छा लेटली में जो एल है ना, वो आपको दो बार आया, और यहां पर एल देखेंगे तो एक बार आया है। ठीक, तो एल का हम दो बार उपयोग ला ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पे इसमें एक बार है, इसमें आपको दो बार चाहिए, तो ये आपका वर्ड नहीं बन सकता। तो ये हमारा आंसर होगा कि लेटली एक वैसा वर्ड है जो इमीडिएटली में से नहीं बनाया जा सकता। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका वॉकेब के ऊपर है, वॉकेब वाला आपको एक क्वेश्चन इंग्लिश वॉकेब का आपको पूछेगा ही पूछेगा, क्यों, इससे आपका जो इंग्लिश का नॉलेज है वो भी आपको परख लेगा कि आप वॉकेब में कितने आप महारत हासिल करके रखे हैं। ठीक, ये आपको इंफॉर्मेशन वर्ड आपको दिया हुआ है, पहला यहां पर क्या है, आई, दूसरा एन, छठा एम, सातवां ए, तो आई एन एम और ए से मैं कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकता हूं। एक ही यहां पर बनेगा, वो बनेगा मेन, जिसका अर्थ होता है प्रमुख, तो हमारे पास एक हमारा आंसर। क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड कम कराए जा रहे हैं, लेकिन जो आपके काम के एग्जाम में वही आपको कराए जा रहे हैं। मैं पहले बता रहा हूं, रीजनिंग के जो सिलेबस जो को वीडियोस होने बहुत कॉम्पैक्ट होने वाले हैं, मतलब छोटे होने वाले और सरल होने वाले हैं, और सिर्फ आपको रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपका सी सेट में, इसलिए आपको सिर्फ काम का कराएंगे जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो।
Now the next question. शब्दकोश, ये आपको बोलेगा डिक्शनरी अरेंजमेंट बोलेगा, ये आपको बोलेगा टेलीफोन डायरेक्टरी के हिसाब से भी। डिक्शनरी में होता क्या है, जब ए का पूरा सीक्वेंस खत्म होगा तब आप किस में आएंगे, तब आप बी में आते हैं। बी का पूरा सीक्वेंस होगा फिर आप सी में आएंगे, उसी प्रकार फिर डी में आएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो अब हम यहां पर देखें तो सभी में कॉमन क्या है, सभी में ए ए कॉमन है, ठीक। और सेकंड में यहां पे आया है आर, वहां पे आर आया है, बाकी सब में अपने पास क्या आया, एन आया है। तो हम देखेंगे एन के बाद ही आर आता है, तो एन के पूरे अक्षर कंप्लीट होंगे उसके बाद ही हमारे पास आर आएगा। तो हम ये श्योर बोल दिए कि कौन से नंबर पर आएगा, चौथे नंबर पर आएगा, ठीक। अब सभी में हम देखते हैं एनाल तक कॉमन है, सॉरी एनाली तक कॉमन है। अब बचा हमारे पास टिक्स, सिस और एसटी। अब टी और एस में तो एस वाला पहले आएगा, तो मतलब ये कंफर्म होगा कि ये कितने नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। अब बात हो रही है पहले और दूसरे की, एस आई और एस टी में, तो ये पहले नंबर पर आएगा और ये दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक। व्हाट विल बी द सेकेंड लास्ट, पीछे से लास्ट। हाँ, एग्जाम में क्या होगा, बहुत बड़ा हम हड़बड़ी में क्या करते हैं, एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर में हम हड़बड़ी में देख लेते हैं कि सेकंड बोला है, हम गलती से इसको टिक मार देते हैं। लेकिन आपको सामने से पीछे नहीं बोला है, आपको बैक से सेकंड नंबर बोला है, मतलब चौथा, और आपको पीछे से दूसरा कौन सा हुआ, सामने से जो तीसरा नंबर होगा वो आपका होगा। इसीलिए टिक्स वाला मतलब एनालिटिक्स आपका आंसर होगा। एग्जाम में अक्सर ऐसी गलतियां बहुत बार होती है, जब हम एग्जाम टाइम में हड़बड़ी में हम इस तरीके से गलतियां कर देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जिसको हम बोलते हैं अक्षर युग्म या जिसको हम बोलते हैं पेयर वर्ड्स। हम पेयर वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, पेयर वर्ड्स किसको बोलते हैं। जैसे हम देखे बचपन में ए फॉर यहां पर क्या होता है, एप्पल, ठीक। तो हम एक वर्ड ले लेते हैं एप्पल को, ए डबल पी एल ई को हम ले लेते हैं। अल्फाबेट में देखा ए बी सी डी, ये हमने देखा, ठीक है, ये हमने देखा। अब जब यहां पर देखे अक्षर युग्म किसको बोलते हैं, ये ए और ई के बीच में यहां पर तीन अल्फाबेट है आपके पास, कितने अल्फाबेट है, तीन अल्फाबेट। यहां पर भी ए और ई के मध्य देखा तो कितना अल्फाबेट है आपके पास, तीन अल्फाबेट है। तो यहां पर इन अक्षरों में एक अक्षर के बीच, एक अक्षर और दूसरे अक्षर के बीच मध्य में जितने अक्षरों का गैप होगा, वही गैप आपको इंग्लिश अल्फाबेट के सीरीज में अगर आपको मिलता है तो उसको हम बोलते हैं, अक्षर युग्म। आप उसको अक्षर युग्म कह लें या उसको आप पेयर वर्ड्स कहेंगे, आप उसको अक्षर युग्म कह सकते हैं और आप उसको पेयर वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका अक्षर युग्म होता है। बहुत बार क्या करेगा, आपको ये सेंटेंस के रूप में आपको पूरा का पूरा देगा, विच हैज एज मेनी एज लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आगे से भी और पीछे से भी, ठीक। या डायरेक्टली आपको बोलेगा फाइंड द पेयर वर्ड्स, मतलब अक्षर युग्म आपको निकालने बोलेगा, ठीक। अब उसको निकालने का तरीका क्या है कि हम हर बार तो निकाल सकते नहीं, कि जैसे इस क्वेश्चन में हम यहां पर हर बार तो देखेंगे नहीं। अब जैसे क्या हुआ, पी और एल के बीच में हुआ, तो यहां पर एक अल्फाबेट है और यहां पर पी और एल में बहुत सारे अल्फाबेट है, तो ये तो आपका पेयर बनेगा नहीं पी और एल का। तो वैसे हर अक्षर को दूसरे अक्षर से मिला के देखना पड़ेगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, तो उसका हम लोग यहां पर क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं किस तरीके से बनेगा, ठीक है। वर्ड है आपका साइंटिस्ट, यहां समझिएगा,
अगला जो क्वेश्चन होगा उसको बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट एस सी आई ई एन टी आई एस टी, ये वर्ड है हमारे पास साइंटिस्ट, यही स्पेलिंग है। और याद रखिएगा जब आप इसको उतारेंगे तो बहुत बार क्या होगा, हमको अल्फाबेट मतलब जो आपका स्पेलिंग है स्पेलिंग भी आपको थोड़ा सा गलत कर सकता है, तो इस चीज को याद रखिएगा ना। तो एस का पोजीशन देखा तो 19 नंबर पर है, 3 नंबर पर, 9 नंबर पर, 5 नंबर पर, 14 नंबर पर, 20 नंबर पर, 9 नंबर पर, 19 नंबर पर और 20 नंबर पर, ठीक है। ए से चालू किए हम जेड तक, तो एक से चालू किया कहां तक हुआ, 26 तक। 26 में यहां पर क्या अल्फाबेट होता है, जेड। 26 के बाद क्या हो जाएगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, उसकी जगह यहां पर क्या होगा, 26 में क्या होगा, खत्म होगा जेड। जेड के बाद फिर से एबीसीडी का सीरीज चालू हो जाता है, तो 26 के फिर क्या चालू हो जाएगा, 1 2 3 चालू हो जाएगा, उस चीज को याद रखिएगा, या 26 में वो चीज वहां पर खत्म हो जाएगा। अब जो काउंटिंग मुंह से बोल रहा हूं उस काउंटिंग को यहां पर मैच करेंगे, 19 20 21 22, ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला 19 और यहां पर 20 बोला, मैंने बोला है 20 और मिला है यहां पर 3, तो ये युग्म नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा। तो जो आप काउंटिंग कर रहे हैं एक बार आगे से और एक बार पीछे से, जब उन नंबरों तक जाएंगे जो काउंटिंग है और जो आपका नंबर दिया हुआ है, चाहे वो आगे से या पीछे से मैच करेगा तो पेयर वर्ड कहलाएगा, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से होगा, 19 20 21 22 23 24 25 26 1 नहीं मिला, 19 18 17 16 15 14 13 12 11 नहीं मिला, 3 4 5। अब देखिए मैंने बोला है 5 और यहां पर मिला है 5, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, 3 4 5 मैंने बोला है 5 मिला भी 5 है, तो एक युग्म ये बना, ठीक। 3 4 5 6 7 8 9 10 3 2 1 खत्म, 9 10 11 12 13 14 15 9 8 7 6 5 4 3 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 14 15 16 17 18 14 13 12 11 10 20 21 22 23 20 19 18 17 9 10 11 9 8 7 19 20 मिला, तो कितना मिला आपको, 2 मिला, ये हमारा क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैस्ट्राफोन आपको दिया हुआ है, ठीक, ये आपको क्या दिया हुआ है, कैस्ट्राफोन आपको दिया हुआ है, तीन एक 19 20 18 1 16 8 15 14 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 2 1 खत्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं मिला, 1 के बाद 0, 19 20 21 22 23 24 25 26 19 18 17 16 15 14 13 12 11
बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस बीस उन्नीस अठारह सत्रह सोलह पंद्रह चौदह, फिर पांच नहीं मिला। अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस अठारह सत्रह सोलह, अठारह सत्रह सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह नहीं मिला। सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह आठ नौ दस ग्यारह आठ सात छः पाँच पंद्रह सोलह सत्रह पंद्रह चौदह, तो कितना मिला? एक दो तीन चार पाँच। तो इसमें कितने अक्षर युग्म है? पांच हमारे अक्षर युग्म है। अगला, ये आपका सीरीज है। बहुत बार क्या करेगा, आपको वहां पर अल्फाबेटिकल का सीरीज देगा या सीरीज आपको नहीं देगा, और दूसरी बार क्या करेगा आपको, कोई सा भी आपको श्रृंखला बना के आपको देखेगा, आपको एक रूल आइडेंटिफाई करके आपको देखना उसमें से। ठीक, एल से यू, यू से वाई, वाई से ई, ठीक है ना। एल से यू, यू के बाद एक अक्षर दूसरा है ना, उसके बाद वाई के बाद, वाई के बाद तीन छोड़ के आई, आई के बाद चार छोड़ के है ना, ये है ना, सॉरी सॉरी, वाई के बाद ई, ई के बाद तीन छोड़ के, ये इस तरीके से। एल के तुरंत बाद यू है, यू में एक अक्षर को छोड़ के वाई, वाई के बाद दो अक्षर छोड़ के ई, ई के बाद तीन अक्षर छोड़ के क्या होगा, क्यू, क्यू से हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, क्यू एच क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अच्छा, बाय चांस हम ऐसा मान लेते हैं कि आपको, मान लो आपको ये, सपोज ये आपको दो अल्फाबेट, आपको क्यू वाले दो ऑप्शन दिया है, देन व्हाट यू विल डू, तो उस कंडीशन पे आप क्या होगा, पीछे वाले को मिला के देखेंगे, ए के बाद जे, जे के बाद आई, आई के बाद जी, जी के बाद यू। तो देखे, ए के बाद क्या है, जे, एक अल्फाबेट छोड़ के, जे के बाद यहां पर क्या आया है, ठीक, जे के बाद आई, दो अल्फाबेट छोड़ के, तो आई के बाद तीन अल्फाबेट छोड़ के जी, जी के बाद चार अल्फाबेट छोड़ के क्या होगा, एच, ऑटोमेटिकली क्यू एच हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बार क्या करेगा आपको, अल्फाबेटिकल सीरीज एबीसीडी करके देगा, और बहुत बार क्या करेगा आपको, देगा भी नहीं। ठीक है, आपको देगा भी नहीं, आपको डायरेक्टली वहां पर क्या कर देगा, अंग्रेजी अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं से तेरहवें अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के मध्य यहां पर कौन सा होगा। ठीक, बाएं से अपन तेरहवां अक्षर देख लेते हैं, बाएं से तेरहवां अक्षर एम, दाएं से चौथा अक्षर डब्ल्यू, इनके मध्य निकालना, एक यहां से कम हुआ, एक यहां से कम, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, और क्या बचा है, आर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को उलट दिया जाए और फिर सेकंड भाग को भी उलट दिया जाए। हम ए से लेकर जेड तक देखते हैं ना, तो ए से लेकर एम तक
ये हमारा क्या होता है, प्रथम अर्धांश मतलब फर्स्ट हाफ होता है, पहला भाग। और उसके बाद एन से लेकर जड तक जो हमारा होता है द्वितीय अर्धांश मतलब दूसरा भाग, सेकेंड पार्ट। तो कंडीशन बोल रहा है कि पहले को भी उल्टा कर दिया जाए और दूसरे को भी उल्टा कर दिया जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये पहला हो जाएगा। दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी W, X, Y और Z, ठीक। पहला भी उल्टा हो गया, दूसरा भी उल्टा हो गया। यहां पर क्या बोल रहा है, 17 टू द राइट ऑफ सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक। सॉरी, कौन सा अक्षर बाएं से छठवां होगा, जो यहां पर क्या बोला, बाएं छठवां अक्षर होगा, सातवें अक्षर के दाएं, सत्रवें अक्षर के बाएं, ठीक। सत्रह अक्षर यहां से क्या होगा, बाएं से। अगर मैं बाएं से अपने को यहां से, बाएं मतलब यहां से अगर मैं सत्रह अक्षर देखा, तो सत्रह अक्षर पे यहां पर क्या होगा, ये तो हमारे पास तेरह हो चुका है, चौदह पंद्रह सोलह और ये क्या हुआ, सत्रह, ठीक। ये सत्रह बोला अपने पास, ये हमारे पास हो गया सत्रह। सत्रह के दाएं यहां पर क्या हो गया, सातवां अक्षर, एक एक दो तीन चार पांच छह सात, ये हमारे पास क्या हो गया, पी। और पी के बाएं छठा अक्षर, तो एक दो तीन चार पांच छह, तो वी हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आपको पोजीशन मालूम होना चाहिए लेफ्ट से और राइट से कहां कहां पर किस किस तरीके से होता है। इंडिपेंडेंट वर्ड मतलब ऐसे वर्ड इनमें से निकाले जाए, ऐसे अक्षर निकाले जाए जिनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड मतलब सार्थक शब्द जिसका कोई मतलब निकलता है वो आपका निकल। हार्टलेस, अच्छा इनका क्रम भी चेंज नहीं करना है भाई, याद रखना, और आपको मैक्सिमम वर्ड भी आपको खोजना है। तो एक तो मैं बोला हार्ट और लेस, तो उस कंडीशन पे क्या बनेगा, दो बनेगा। मैं ये भी तो बोल सकता हूं ही पहला, आर्ट दूसरा और लेस तीसरा, तो तीन मतलब निकल गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ही मतलब क्या हुआ, ही प्रोनाउन हुआ, ठीक। ये हमारे पास हुआ। अब ये वाली गलती होती है, ही मतलब क्या हुआ, ही मतलब कोई अपने पास कोई ऑब्जेक्ट और कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, इसलिए याद रखना इसका आंसर ये नहीं होगा। अक्सर यहां गलती होती है कि ही का मतलब तो होता है कोई मीनिंगफुल होता है, लेकिन ही इज अ प्रोनाउन, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको उसका कोई निश्चित मतलब निकलता हो वो आपका होता है, तो ही अनसर्टेन है, इसलिए यहां से क्या होगा, दो चीज निकलेगा, वो जो आपको पहले बताया था, पहले वाला क्या बताया था आपको, हार्ट और लेस, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, टू होगा। ये वाली चीज को याद रखना, ठीक है। द नेक्स्ट, कैंपेन, इट्स सी ए एम पी ए आई जी कैंपेन, अगर इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाए, ठीक है भैया। तो ए ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन
ओ पी। तो कितने स्थान अक्षरों के कितने स्थान अपरिवर्तित होंगे? एक ए अपरिवर्तित हो रहा है और कोई सा कॉमन है क्या? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। और वो अक्षर अल्फाबेट कौन सा होगा? ए होगा। ये आपको पहले बता दिया था, आपको इंग्लिश अल्फाबेट वाला डिक्शनरी, डिक्शनरी बोला, या फिर आपको क्या बोला, आपको टेलीफोन डायरेक्टरी, बोथ हैव द सेम मीनिंग। देखिए सब में कॉमन क्या है? बी ए बी ए बी ए बी ए। अब बात हो रही है के एन टी और एन की, तो के वाला तो सबसे पहले आएगा और टी वाला सबसे लास्ट आएगा। ठीक। अभी एन के और एन आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई पहले आता है, तो ये दूसरा हुआ और ये कौन सा हुआ? पैंकिंग हमारे पास तीसरा हमारे पास हुआ। तो हमको क्या बोला है, तीसरे में कौन सा आएगा? तो बैंकिंग हमारा आंसर होगा। ठीक है। ये आपको क्या होगा, अक्षर देता है आपको, अक्षरों का आपको यहां पर अलग अलग क्रम देगा, तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको इसमें से आपको इसको से इस प्रकार से जमाना है कि उसका आपको एक मीनिंगफुल वर्ड निकले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले ले, तो मैं बोल देता हूं कि सपोज आर सी ए एच और आई लिया, इसको नाम दिया एक दो तीन चार और, अगर मैं इसको क्रम में जमाया तो एक वर्ड मेरा निकलेगा चेयर, क्योंकि सभी अल्फाबेट को लेना है चेयर, एक ऐसा वर्ड निकला है चेयर जिसका यहां पर क्या होगा, कोई पर्टिकुलर मतलब निकलेगा। तो सी कौन से नंबर पर है? दो। एच है चार, ए है तीन, आई है पांच, आर है एक। तो ये हमारा आंसर होगा दो चार तीन पांच एक। उसी प्रकार हम यहां पर देखें तो इसमें से एक वर्ड बनेगा और वो बन रहा है आर्टिकल। तो ए कितने नंबर पर हुआ? छः। आर हमारे पास हुआ एक, छः एक वाला कौन सा? एक ही है, तो ये हमारे पास हो सकता है। आगे मिला के देख लेते हैं। ठीक। टी कितने नंबर पर है? दो। आई कितने नंबर पर है? सात। सी कितने नंबर पर है? तीन। एल कितने नंबर पर है? पांच। और ई कितने नंबर पर है? L कितने नंबर पर है? C है ना, हाँ C है आपका तीन, L जो है ये L है ना, L कितने नंबर पर है? पांच। E कितने नंबर पर है? चार। तो छः एक दो सात तीन पांच चार, अच्छा ये सात तीन चार पांच दिया, अच्छा ये दिया है, सात एक दो सॉरी छः एक दो सात तीन पांच चार, ये आपका नहीं दिया है, तो ये भी नहीं होगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है। बहुत बार ऐसा भी करेगा तो अंत तक बना के आपको देखना है। आपको चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ बोथ हाफ्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है ना भाई, बोथ हाफ मतलब पुराना वाला कंडीशन आ गया अपने पास। ठीक। बाएं से पंद्रह अक्षर, बाएं से पंद्रह अक्षर के बाएं, दोनों बार बाएं दिया, बाएं से पंद्रहवा अक्षर ये, इसके बाएं दसवां अक्षर, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, क्या हुआ? आई।
ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट क्या बोलिए अपने पास, यही दिया ना अपने पास, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई, आई दिया के ऑप्शन में नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई, ठीक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। अगला मीनिंगफुल वर्ड्स साइबरिस्ट से, चौथा क्या है, ई, सातवां पी, आठवां ए, दसवां ई। इनको अगर आगे पीछे किया ए पी पी ए, एक भी आपका मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, एक भी आपका मीनिंगफुल नहीं बनेगा इस चैप्टर में, अगर आगे पीछे आप करके देखेंगे तो। जरूरी नहीं कि कोई वर्ड बने, ठीक है ना, ये भी होता है। पूर्ववर्ती मतलब पहला, प्रेसिंग मतलब पहले वाला, सबसिक्वेंट मतलब उसके बाद वाला, परवर्ती मतलब उसके बाद वाला, ठीक है। इंटरनेशनल, शब्द इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर, व्यंजन को उसके पूर्ववर्ती अक्षर और स्वर को उसके बाद वाले, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ई एफ ए बी आई जे एम एन ओ पी ए बी, और व्यंजन को उसके पहले वाले से M N S T P Q R M N S T M N J K L K, तो ऐसा करने पर बाईं ओर से नौवां अक्षर, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, नौ में कौन सा होगा J, ये हमारा आंसर। ये आपका कैंपेन पहले हो चुका है, ठीक है, पेंटेड। पहला काम, पेंटेड को अगर मैं अंग्रेजी अल्फाबेट में उसको क्रम में जमाया तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी, ये इस तरीके से जमेगा, एक दो तीन चार पांच छ सात, सात अक्षर, ठीक। स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, ए को बी, ई को एफ, आई को जे, और व्यंजन को उसके पहले अक्षर से, सी ए बी सी डी ई एफ एम एन पी क्यू आर एस टी, तो नई व्यवस्था में ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा, तीन इधर, तो ई हमारा मध्य का अक्षर होगा, ये हमारा आंसर, क्लियर। अच्छा, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाएं तो बीच का कौन सा आपको निकालना है, ठीक।
इंटरनेशनल, ठीक। ए ए बी सी डी, ए कितने बार है? दो बार, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम एन ओ एम एन, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना, सही है कि कोई चीज छूट गया है? ठीक है, हाँ, पी क्यू आर एस टी, टी कितने बार आया है? दो बार, ठीक है ना, इंटरनेशनल में तीन बार। तो कौन सा अक्षर मध्य में होगा? मध्य में होगा मतलब एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह है, तो तेरह बोलेगा तो छह इधर सातों वाला बीच में होगा, एक दो तीन चार पांच छ सात, एंड हमारा आंसर। वॉलेट, कंडीशन देख लेते क्या बोल रहा है। स्वरों को पहले, सभी व्यंजनों को फिर सभी स्वरों को क्रमबद्ध, पहले सभी व्यंजनों को, व्यंजन कौन कौन से आपके पास? अगर व्यंजन को जमाया तो सबसे पहले आएगा एल, फिर आएगा टी, फिर आएगा वी, ठीक, उसके बाद ए ई आई और ओ, ठीक। पहले क्या किया अपने पास? कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल्स जमा दे, ठीक। उसके बाद क्या करना है? व्यंजन को उसके पूर्ववर्ती और स्वर को उसके तुरंत, स्वर को उसके तुरंत बाद, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एस टी यू वी, इस तरीके से जमाए तो नई व्यवस्था क्या होगी? के एस यू, के एस यू बी एफ जे पी, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? इंग्लिश अल्फाबेट क्या होगा? तो इसलिए आपको पहले बताया, जो रीजनिंग की वीडियोस होंगी वो आपके ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि सी सेट में रीजनिंग का पोर्शन पे ज्यादा आपको फोकस दिया जाता है और आपको सिर्फ और सिर्फ आपको काम के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।